बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में बन रहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोरोना के 13 मामले पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने एम्स साइट और आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट व बफर जोन घोषित कर दिया है। बताते चलें कि पहले लॉकडाउन के कारण एम्स का निर्माण कार्य लगभग 1.5 माह तक बंद रहा, वहीं अब कंटेनमेंट जोन बनने से इसे बंद कर दिया गया है। उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए एम्स की कंस्ट्रक्शन साइट को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। वहीं ग्राम पंचायत कोटीपुरा के वार्ड नंबर 3 सहित जीएनबी कॉम्प्लेक्स व ग्राम पंचायत राजपुरा के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 को बफर जोन घोषित किया है। उपायुक्त ने कड़े आदेश जारी करते हुए कहा है कि कंटेनमेंट जोन से कोई भी व्यक्ति आगामी आदेशों तक अपना स्थान छोड़कर इधर उधर नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में रोजमर्रा का जरूरी सामान प्रशासन द्वारा मुहैया करवाया जाएगा, ताकि यहां रहने वाले मजदूरों व अन्य लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हमने पिछले काल में जैसे केसेस आए परसों और कल सुबह, तो उसको जो है एक तो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया। पूरा जो एम्स का कंस्ट्रक्शन का एरिया है कोठीपुरा में, चाहे वो सड़क की निचली तरफ है, नेशनल हाईवे 205 बीच में पास करता है, चाहे वो सड़क के ऊपर वाला है, वो पूरा कंटेनमेंट जोन है। और वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी जो है एसेंशियल एक्टिविटी को छोड़ के वो नहीं की जाती, क्योंकि वो कंटेनमेंट एरिया है। लोगों का इंग्रेस इग्रेस वो भी बंद है, और जो नेशनल हाईवे से गाड़ियाँ क्रॉस करेंगी वो भी बिना रुके बिना ठहरे वहाँ से क्रॉस करेंगी। और जो है इसके जो कंटेनमेंट ऑर्डर्स है, इसकी हमने जो कॉपियाँ हैं वो डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो है एम्स के उनको, और जो DGM हैं NBCC के जो कॉरपोरेशन है जो कंस्ट्रक्शन कर रही है, और नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी जो वहाँ पे जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनके साइट इंचार्ज, सबको हमने कॉपियाँ जो हैं वो भेजी हैं और हिदायत भी दी है। तो कंस्ट्रक्शन का टिल फर्दर ऑर्डर्स, जब तक कंटेनमेंट है, क्योंकि ये जो कंटेनमेंट का हम करते हैं ये हेल्थ डिपार्टमेंट का जो रिकमेंडेशन होता है सर्वे के बाद उसके बाद किया जाता है, और जो आसपास का जो क्षेत्र है वो बफर जोन के रूप में उसे हमने जो है यहाँ से जिला प्रशासन से उसको नोटिफाई किया है। और जैसे जहाँ तक आप बात कर रहे हैं लेबर की, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी 25 जुलाई को स्टेट गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट से हमने, उसके अनुसार 25 जुलाई के बाद जो भी लेबर बाहर से आएगी वो जो क्वारंटाइन की जा रही है क्वारंटाइन की जाएगी, और विद ड्यू परमिशन ऑफ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आएंगे, और वो साइट पे काम पे तब लगेंगे जब क्वारंटाइन पीरियड या नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आती है। तो वो हमने इन्फोर्स की हुई है ना, और उससे पहले भी जो आ रही थी जो मुझे हमें प्रबंधन बता रहा था, जबकि पहले था कि भी सीधे साइट पे काम पे लग सकते हैं, तो वहाँ भी हमने उनको हिदायत दी थी। बल्कि पिछले सोमवार को 20 तारीख को एक मीटिंग भी की थी डिटेलर ने, उससे पहले शनिवार को भी साइट पे मैं भी गया था, SDM साहब भी लगातार जाते रहे हैं, तो समय समय पे उनको डायरेक्शंस भी दिए गए हैं, अगर कोई भी कोताही करते हैं तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और जो ये पॉजिटिव आए हैं 13 व्यक्ति आए थे, क्योंकि ये अभी पीछे मुझे बताया गया कि हफ्ते के दौरान में थोड़े थोड़े बैचेस में बाहर के स्टेट से मुख्यतः बिहार से जो है लेबर बताया गया कि आई है, तो अब जैसे सैंपल्स हम ले रहे हैं तो उनको आइसोलेट किया गया है वहाँ पर, और अब जो ये हमारा कंटेनमेंट एरिया जब तक ये रहेगा तब तक रहेगा जब तक हमारा एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन होता है ना, पूरे एरिया का एक सर्वे और केस फाइंडिंग कैंपेन हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, जब तक वो मुकम्मल नहीं होता है तब तक वो रहेगा, और सैंपल्स भी लेते रहेंगे हम डेली आधार पे जो जितने हैं, और जो हमारे पॉजिटिव आए हैं इनको कोविड केयर सेंटर जो है चांदपुर में जो डेडिकेटेड हमारा कोविड केयर सेंटर है शिवा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में, वहाँ इन्हें शिफ्ट किया गया।